हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेकोटेक्स। इस वीडियो में आज हम एप्सन प्रिंटर L3110 के बारे में जानेंगे। इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी कॉस्टिंग, सब चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रिंटर के फीचर्स, इसको यूज़ करने का तरीका और इसकी कॉस्टिंग। ये इसकी पेपर ट्रे है, ये आउटपुट ट्रे है और ये इनपुट ट्रे है। पीछे ऊपर की तरफ से यहाँ से पेपर इनपुट करेंगे और यहाँ से आप पेपर का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक अगर छोटे पेपर है प्रिंट करने के लिए तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। तो ये इनपुट ट्रे हुई। साइड में इसकी एक केबल है जो कि आपको USB केबल भी है और एक पावर केबल भी है। पावर केबल आप पावर सॉकेट में प्लग इन करेंगे। ये इसका पावर बटन है, इसे आप दबाएंगे तो प्रिंटर ऑन हो जाएगा। सेकंड बटन, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये ब्लैक एंड वाइट कॉपी करने के लिए, अगर आपको फोटो कॉपी करनी है ब्लैक एंड वाइट तो इस बटन का यूज़ करेंगे। इसके पास में ही ब्लू कलर का बटन है। सिंस ये कलर बटन है तो इसका मतलब यह है कि इससे कलर कॉपी निकलेगी, तो आप कलर फोटो कॉपी भी कर सकते हैं इस प्रिंटर से। ये बटन रीसेट करने के लिए है। यहाँ पर आपको एरर शो करेगा, अगर इंक लो हो रही है या पेपर जैम हो गया है तो आप इस बटन को थोड़ा सा दबा के 7 सेकंड के लिए होल्ड करके आप इसको प्रिंटर को क्लीन करवा सकते हैं, प्रिंटर को रीसेट कर सकते हैं। ये इंक के आपके फिलर्स हैं, यहाँ पर आपको इंक का लेवल दिखेगा। पहला वाला ब्लैक के लिए है, दूसरा येलो, मैजेंटा एंड सियान। ये 4 कलर इस्तेमाल होते हैं इसमें, तो आपको 4 तरह की बॉटल्स इसके साथ में आती है और जब ये ख़त्म हो जाए तो आप नई बॉटल खरीद के रिफ़िल कर सकते हैं। ये रही इसकी इंक डालने की जगह। इसका मॉडल है 003 और ये अलग अलग कलर है जो कि आप इसमें रिफ़िल कर सकते हैं। ये हमने एग्जांपल के लिए एक ब्लैक कलर की बॉटल ली है, ये इसी की इंक है। इसे आप ओपन करिए और इसका जो माउथ है बॉटल का वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में आता है, तो आपको इस स्ट्रक्चर को देखना है और ब्लैक कलर का ब्लैक कलर वाले सॉकेट में ही लगाना है। ये ब्लू कलर का जो स्ट्रिप है इसे उठाएंगे आप और इसका जो माउथ है वो बॉटल के शेप का है, तो आपको बस इसमें इसके ऊपर रख देना है। आप इसे रख देंगे और ये बॉटल से इंक जो है प्रिंटर के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसका फ्लैट बेड कुछ इस तरह का है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, तो स्कैनिंग भी सपोर्ट है। ये साइड में मार्जिन छुटी हुई रहेगी, आपको पेज ये एरो की तरफ से स्टार्ट करके रखना है। हम इसकी कॉपी निकाल के देखते हैं, तो हम इसे यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम इनपुट में पेपर देंगे। तो ये इनपुट रहे है इसकी जो कि पीछे की तरफ है, यहाँ पे हमने पेपर रख दिया है। अब हम इसकी ब्लैक एंड वाइट कॉपी निकालेंगे इस वाले बटन को दबा के। ये इसकी आउटपुट ट्रे है, तो चलिए इसकी फोटो कॉपी करके देखते हैं और कैसा कॉपी इससे निकलती है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो ये देखिए ब्लैक एंड वाइट कॉपी होके आ चुकी है, काफ़ी क्लीन प्रिंटिंग है इसकी। फोटोकॉपी भी काफ़ी अच्छे तरीके से की है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब हम इसकी कलर कॉपी निकालेंगे। तो ये कलर वाला जो ब्लू कलर का बटन है आप इसे दबाएंगे तो ये इसकी कलर्ड कॉपी निकालेगा। तो आप ब्लैक एंड वाइट और कलर कॉपी दोनों निकाल सकते हैं। ये देखिए आउटपुट में इसने कलर कॉपी करके दे दी है। कलर कॉपी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आ रही है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से क्लियर सारे कलर्स काफ़ी अच्छे से आए हैं। ये कार्ड था, हमने इसकी कॉपी की थी, देखिए काफ़ी मिलता जुलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग की है। अगर हम ग्लॉसी पेपर पर रख के कॉपी निकालेंगे तो काफ़ी अच्छी निकलेगी। अब हम इससे प्रिंट आउट निकाल के देखेंगे। तो ये हमने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फ़ाइल में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम इसकी प्रिंट निकालेंगे। तो आप फाइल में जाके प्रिंट पे जाके इसको प्रिंट का कमांड दे सकते हैं
यहाँ पर हमने सिलेक्ट करना है प्रिंटर, तो हम इप्सन L3110 को सिलेक्ट करेंगे। आपको कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ निकालनी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसकी क्वालिटी भी बता सकते हैं कि आपको ब्लैक एंड वाइट निकालना है या कलर, और अगर कलर निकालना है तो आपको क्वालिटी क्या चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी, हाई क्वालिटी। अगर आप इसकी क्वालिटी हाई कर देंगे तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट निकाल के देगा। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था कलर फोटोकॉपी का, उससे भी अच्छी क्वालिटी में प्रिंट निकाल के देगा। टू साइड प्रिंटिंग, आपको पेपर के आगे पीछे प्रिंटिंग करनी है अगर ज़्यादा पेजेस है या नहीं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने इसको ऑफ ही रखा है, यहाँ से ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप, अगर आपको सारे पेजेस निकालना है या जो करंट सिलेक्टेड पेज है वो निकालना है या फिर पेज की रेंज देनी है, तो आप वो यहाँ से दे सकते हैं। ये बेसिक प्रिंटिंग सेटिंग्स है जो कि आपको हर प्रिंटर के लिए करनी ही होती है, ये कंप्यूटर के ऑप्शंस है। अब हमने इसको प्रिंट दे दिया है और ये देखिए जो हिंदी टेक्स्ट था वो इस पे इस तरह से लिखा हुआ आ गया है। तो ये इसकी प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में की है। अब हम देखते हैं स्कैनिंग कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें ड्राइवर डाउनलोड्स रखने होंगे इप्सन के, और जब वो डाउनलोड हो जाएंगे तो आप इप्सन स्कैन को सर्च करके उसे ओपन करिए विंडोज़ में, और यहाँ पर आपको स्कैनर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको इमेज फॉर्मेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस इमेज फॉर्मेट में आप आउटपुट चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ PDF में सेव हो मेरा जो डॉक्यूमेंट है जो स्कैन होगा, और वो कहाँ पर सेव हो, डेस्कटॉप पे या किसी फोल्डर में। तो मैंने यहाँ से ये सब सिलेक्ट करके स्कैन बटन पे क्लिक कर दूंगा तो स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके लिए आपका प्रिंटर जो है वो लैपटॉप से या कंप्यूटर से USB केबल से कनेक्ट होना ज़रूरी है। ये स्कैन हो जाएगा तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं किस तरह का दिख रहा है, तो आप वो स्कैन को डिस्कार्ड कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है, ये छोटा है, आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं या इसके ऊपर होवर करके आप इसका बड़ा साइज़ भी देख सकते हैं। तो ये देखिए हमने जो प्रिंट आउट निकाले हमने उसी को स्कैन कराया और वो इस तरह से हुआ है, ये इसी पेज का स्कैन करा हुआ है। तो काफ़ी अच्छे से स्कैनिंग भी की है। अब हम एक और डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हैं। यहाँ नीचे जो ऐड बटन है यहाँ से आप ऐड करके एक और डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा भी डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया है, तो आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट स्कैन करके एक कंबाइंड PDF भी बना सकते हैं। तो ये थे इसके फीचर्स और इसको यूज़ करने का तरीका। अब हम बात करते हैं इस प्रिंटर का कॉस्ट। तो ये प्रिंटर काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसकी बाज़ार में कीमत आपको 11,000 के आसपास मिलेगी। आप इसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं। आप इसका MRP थोड़ा ज़्यादा है, बट आपको ऑफ़र्स वगैरह लगा के या डिस्काउंट में आपको अराउंड 11,000 पड़ेगा। अगर ऑफलाइन भी आप देखें तो इसकी कीमत जो है वो 11,000 के आसपास ही पड़ेगी। तो ये काफ़ी सस्ता प्रिंटर है जो कि कलर प्रिंटर है। अब बात करते हैं इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट की। अगर आप इसको एक बार रिफ़िल करते हैं या इसके साथ जो चार बॉटल्स आती हैं इंक की, अगर आप उससे पूरा फुल रिफ़िल करके रखते हैं, तो ये आपको 4,500 यानी 4,500 पेजेस ब्लैक एंड वाइट में निकाल के देगा, और 7,500 पेजेस जो है वो कलरफुल पेजेस आपको निकाल के देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ पेजेस आपको निकाल के दे सकता है, यानी एक बार की जो रिफ़िल हैंगे वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। अगेन ये जो नंबर ऑफ पेजेस है ये डिपेंड कर रहे हैं कि आप कितना डेंसिटी से प्रिंटिंग कर रहे हैं। अगर आप फुल पेज प्रिंटिंग कर रहे हैं उस पर टेक्स्ट और इमेजेस बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पेजेस कम हो सकते हैं। बट अगर आप 5% का एरिया लेके चले, 5% पेज पे प्रिंटिंग हो रही है, तो उस केस में आपको ये नंबर्स अचीव हो जाएंगे, यानी 4,500 पेजेस ब्लैक एंड वाइट के निकल जाएंगे और 7,500 पेजेस जो है वो कलरफुल पेजेस आपके प्रिंट हो सकते हैं। इसकी प्रिंटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, 33 पेजेस पर मिनट आप इससे निकाल सकते हैं। ऑल्दो अगर हम कंपेयर करें पिछले वीडियोस में, जैसे हमने ब्रदर प्रिंटर बताया है, तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस प्रिंटर। और जैसा मैंने आपको बताया है, इससे आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी में कलर प्रिंट्स निकाल सकते हैं। अगर आप ग्लॉसी पेपर यूज़ करें तो उस पर आप आधार की प्रिंट्स भी निकाल सकते हैं, और या फिर आपके जो ID कार्ड्स होते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, या फिर लाइसेंस, या फिर आपके व्हीकल्स का RC कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, आप उसकी कलर कॉपीज निकाल के उसको लेमिनेशन करवा सकते हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिखेगा। अब बात करते हैं हम
प्रिंटिंग कॉस्ट की। तो अगर आप ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी या प्रिंट निकाल रहे हैं तो आपको ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी या प्रिंट का कॉस्ट पड़ेगा 7 पैसा। ये कंपनी का दिया हुआ नंबर है। अगर 7 पैसा प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं भी पड़ रहा है तो आपको 50 पैसा के अंदर ही पड़ेगा। यानी अगर आप 1 रुपये की फोटोकॉपी भी रखते हैं चार्जेस शॉप पे तो आपको 50% का प्रॉफिट रहेगा। पेजेस का कॉस्ट भी अलग होता है। आप 70 GSM का पेज यूज़ कर रहे हैं या 65 GSM का, तो उस पर डिपेंड करेगा। बट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ पेज, अगर आप पेज का भी कॉस्ट इंक्लूड कर लें तो भी 60-70 पैसा से आपका ज़्यादा कॉस्ट नहीं जाएगा। ये काफ़ी किफ़ायती प्रिंटर है। अगर आप कलरफुल प्रिंट की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि 18 पैसा पर पेज आपको कलर फोटोकॉपी या कलर प्रिंटआउट आपको रहेगा। अगेन ये डिपेंड करेगा अगर आप फुल पेज पे कलर कॉपी निकाल रहे हैं या प्रिंट निकाल रहे हैं। और अगर आप छोटे एरिया में निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका खर्चा कम होगा। अगर ज़्यादा पेज पे निकाल रहे हैं, ज़्यादा बड़े एरिया पे उस पेज के, तो आपका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। बट फिर भी जो कलर कॉपी का कॉस्ट है और कलर प्रिंट का कॉस्ट है वो आपका 1-2 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगा अगर आप फुल पेज भी निकाल रहे हैं तो। कलर कॉपी का रेट जनरली मार्केट में 10 रुपीज़ पर पेज होता है, तो आप पेज का कॉस्टिंग भी मिला ले तो आपको 8 रुपीज़ प्रॉफिट होगा पर कलर प्रिंट आउट। तो अब ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में हैं और आप फोटोकॉपी या प्रिंट आउट के रेट्स क्या रखते हैं। बट जो भी रखेंगे आप, ये आपको बहुत ही किफ़ायती पड़ेगा, बहुत ही सस्ता और अच्छा प्रिंटर है। तो दोस्तों ये थे इसके सारे फीचर्स और इसकी कॉस्टिंग। हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा प्रिंटर चल रहा है। इससे आप फोटोज़ भी निकाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें और आप कंपेयर कर पाए कि कौन सा प्रिंटर अच्छा है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ताकि आपको दुकान के लिए या घरेलू इस्तेमाल के लिए या ऑफिस यूज़ के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल करना चाहिए उसका फुल रिव्यू आपको मिलेगा। पिछले वीडियोस में हम ब्रदर प्रिंटर के बारे में भी बताए हैं और उसकी इंक रिफिलिंग भी बताए हैं, जिससे कि आपका काफ़ी पैसा बच सकता है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।